हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू न्यू स्टडी ब्लॉक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड उम्मीद करता हूं कि आप सबकी स्टडी भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों यार, बकरा ईद के बाद मैं अभी जस्ट आ रहा हूं घर से। शाकिर भाई साहब मुझे छोड़ने के लिए जा रहे हैं एंड आप देख सकते हैं यहां का माहौल। शाकिर भाई साहब मुझे अड्डे पे छोड़ने के बाद चले जाते हैं अपने मेडिकल के लिए मेडिसिन लेने। एंड मैं आपको बता दूं कि मेरे घर से जो मेरा रूम है वो ज्यादा दूर नहीं है, काफी ज्यादा करीब है। 20 रुपए का किराया लगाने के बाद मैं आ चुका हूं अपनी बिल्डिंग के काफी ज्यादा करीब। यहां पे मिल चुके हैं मुझे अमन भाई, फोन पे बात कर रहे हैं। अमन भाई कहाँ यार हो? अमन भाई हाँ, बलावन में है, दुकान पे जा रहा हूँ। और रूम पे ठीक है। तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ अभी पीजी में एंड आप देख सकते हैं रूम यहाँ पे जो है वो सारे ऑलमोस्ट लोग हैं, देख सकते हैं, क्योंकि ये लोग जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और यूनिवर्सिटी की जो है वो अभी चल रही है छुट्टी। एनीवे चलते हैं अपने रूम पर एंड अभी आपको इस विंडो से दिखा देता हूँ कि आज का मौसम कैसा हो रहा था। घर से आने से पहले जब मैं आ रहा था तो 12 बजे के टाइम अप्रोक्स बारिश पड़ रही थी और जैसे ही बारिश रुकी थी अपना बैग उठा कर मैं आ गया था यहाँ पर, क्योंकि मुझे आज ही आना था। तो चलिए यार चलते हैं रूम पर। तो दोस्तों ये रहा अपना रूम, थोड़ा सा बिल्डिंग का माहौल देख लेते हैं कैसा हो रहा है। एकदम यहाँ पर जो है वो शांति छाई हुई है, कोई भी अभी नहीं दिखा रहा हुआ है। अमन भाई का रूम ये रहा, वो भी बाहर गए हैं अभी। तो चलिए रूम का जो है वो लॉक खोल लेते हैं एंड करते हैं रूम में एंटर। तो बैग उठा लेता हूँ मैं, इसको रख देता हूँ बेड पे एंड भारी हो रहा है थोड़ा सा। मैं घर से सब्जी वगैरह खाना वगैरह भी लेकर आया हूँ, इसको यहाँ पर रख देता हूँ एंड अभी जो है वो फ़ैन ऑन कर लेता हूँ एंड लाइट ऑन कर देता हूँ ये वाला। तो अभी कर लेते हैं अपने रूम की थोड़ी सी सेटिंग, क्योंकि रूम भी थोड़ा सा गंदा हो रहा है, किचन भी ऐसे पड़ा है, स्टडी टेबल भी ऐसे पड़ी है और मैं जो है वो घर से खाना लेकर आया था एंड थोड़े से अम्मी ने जो है वो आम भी रख दिए थे कि आम भी खा लेना। बट एक बात मुझे अच्छे तरीके से समझाई थी कि खाना लेके जा रहा है तो पॉलीथीन में ऐसे ही मत रखे रहने देना, क्योंकि ख़राब हो जाता है, गर्मी वैसे इतनी ज़्यादा पड़ रही है। तो किचन में थोड़े से बर्तन गंदे हो रहे थे, तो चलिए यार इनको धो लेता हूँ एंड जो मैं खाना लेकर आया हूँ उसको अच्छे तरीके से रख देता हूँ ताकि ख़राब ना हो पाए। तो अभी जो है वो मैं खाना घर से खा कर आया हूँ, ये खाना जो है मैं डिनर करते टाइम खाऊंगा। एक बार क्या हुआ था, मैं घर से खाना लेकर आया था एंड बैग में ही ऐसे ही रखा रह गया पॉलीथीन में। जब मुझे याद आई कि हाँ मुझे खाना खाना है, मैं तो घर से लेकर आया हूँ, फिर मैंने बैग में से निकाल कर देखा तो भाई वो तो खराब हो गया था। किचन के कुछ गंदे बर्तन और खाना रखने के बाद मैं चलता हूँ अभी झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि जब भी मैं वापस घर से रूम आता हूँ तो एक बार जो है वो रूम की सफाई वगैरह कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा सा लगता है एंड फ्रेश फील होता है, तो स्टडी भी थोड़ा बढ़िया तरीके से होती है। तो दोस्तों यार रूम की जो है वो सफाई हो चुकी है, इस चेयर को भी रख देता हूँ नीचे एंड मैं चलता हूँ अभी नहाने के लिए, क्योंकि झाड़ू वगैरह लगाई है, रूम साफ करा है, मुझे गर्मी भी लगने लगी है एंड नहाने के बाद बढ़िया से अच्छे से फ्रेश होने के बाद फिर करेंगे अपना स्टडी सेशन स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों यार नहा धो के एकदम फ्रेश हो चुका हूँ, बढ़िया फील हो रहा है एंड जब मैं नहा रहा था तो कोई मेरा गेट नॉक कर रहा था। तो चलिए यार बाहर निकल के देखता हूँ कौन था। तो बाहर निकल के देखा तो अमन भाई थे। अमन भाई बोल रहे थे मैंने चाय बनाई है, चाय पियोगे? हाँ, मैं बोला हाँ पी लेते हैं। तो रूम को कर देता हूँ बंद एंड चलते हैं अमन भाई के रूम में। मेरे पास है ये PW का कप और पीते हैं अमन भाई के हाथ की बनी हुई चाय। तो अमन भाई सेटअप कैसे कर दिए, टेबल वगैरह यहाँ कैसे लगा ली? टेबल तो ऐसे जुगाड़ बना रखी है काम करने के लिए। ये इसी जुगाड़ की वीडियो तो चली थी 24 मिलियन, काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे यार आपने सेटअप जो बहुत खतरनाक बना रखा है, ये शॉर्ट्स में टेबल गिर गई, उससे इससे गिर गई थी टेबल सेटअप से। अच्छा, तो यहाँ पे ऐसे काम करने के लिए टेम्परेरी जुगाड़ बना रखा है, बेड पे बैठ के काम नहीं हो पाता। तुमने तो पी ली चाय? हमने तो पी ली। लाओ फिर। तो फाइनली दोस्तों यार चाय पीने के बाद मैं चलता हूँ वापस अपने रूम पर एंड अभी जो है वो अपना स्टडी सेशन स्टार्ट करेंगे। यार भाई अमन भाई ने जो है वो एकदम कड़क वाली चाय बनाई थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। कप को रख देता हूँ यहाँ पे एंड करते हैं अपना स्टडी सेशन स्टार्ट। तो दोस्तों यार यहाँ पर जो है वो वाईफाई का कनेक्शन अभी चला गया है, तो मुझे अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से ही अपना लैपटॉप कनेक्ट करना पड़ता है। तो मैं अपनी पिछली वीडियो के कमेंट्स पढ़ रहा था तो वहाँ पर मुझे इसी से रिलेटेड एक कमेंट ही देखने के लिए मिला। वो पूछ रहे थे कि भाई आप अपने मोबाइल का कौन सा वाला रिचार्ज कराते हो, व्हाट ए अमेजिंग कमेंट। तो चलिए यार आप पूछ लिया है तो बता ही देता हूँ, जो मैं जो रिचार्ज कराता हूँ वो 28 दिन वाला कराता हूँ, जिसमें मुझे 1.5 GB मिलता है पर डे, बट 1.5 GB में जो है वो पूरा काम नहीं चल पाता है, तो इस वजह से जो है वो मैं 12 GB वाला एक्स्ट्रा रिचार्ज भी करवाता हूँ। तो अभी
काफ़ी सारी पिछली वीडियो के जो कमेंट्स हैं उनके रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा, बट उससे पहले मैं बता देता हूं कि आपको कि PW सेलिब्रेट कर रहा है गुरु पूर्णिमा दिवस फ्रॉम 3rd July to 8th July, सो नाउ दे अगेन कम अप विद अमेजिंग ऑफर्स। यकीन 3.0 बैच, इंडियाज स्ट्रॉन्गेस्ट नीट ड्रॉपर्स बैच, और ये बैच उनके लिए है जो नीट 2024 को क्लियर करना चाहते हैं और खुद को डॉक्टर बनते हुए देखना चाहते हैं। और इस बैच के प्राइस है 3,600 रुपीज, और इस बैच की जो क्लासेस हैं वो 3 जुलाई से स्टार्ट हो रही हैं। और इस बैच के साथ आपको मिलेगा यकीन 2.0 2024 बैच प्लस यकीन 1.0 2024 बैच बिल्कुल एकदम फ्री, एंड अर्जुन नीट 2.0 2024 बैच फॉर 11th क्लास नीट एस्पिरेंट इन जस्ट 3,600 रुपीज, एंड लेक्चर नीट 2.0 2024 बैच फॉर 12th क्लास नीट एस्पिरेंट इन जस्ट 3,600 रुपीज। इन ऑल बैचेस में PW आपको दे रहे हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो आपको बनाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी एंड जियोलॉजी में परफेक्ट। क्लासेस विल बी 6 डेज ए वीक एंड 3 लाइव लेक्चर्स पर डे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स विद देयर वीडियो सॉल्यूशन इन क्यूज फॉर्मेट, PDF नोट्स ऑफ ईच क्लास विल बी अपलोडेड ऑन PW ऐप, शेड्यूल टेस्ट विल बी हेल्ड अकॉर्डिंग टू द प्लानर। और एक लेटेस्ट न्यूज है, PW लेकर आया है MBBS स्टूडेंट के लिए PW मेड एड, और ये जो आपको PW की बुक्स दिख रही हैं इनको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से खरीद सकते हो इजीली। सो इन सभी PW बैचेस को परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए PW लिंक पर क्लिक करें, और कोर्स को परचेस करने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा MI150, जिससे आपको 150 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो चेक आउट डिस्क्रिप्शन एंड परचेस PW बैचेस। तो फाइनली दोस्तों यार अभी के टाइम की बात की जाए तो 9:51 हो रहे हैं। लेक्चर अटेंड करने के बाद मैंने जो है वो थोड़ा सा रेस्ट किया, उसमें अपना इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ कर लिया था, एंड अभी चलते हैं डिनर करने के लिए। तो चलिए यार हॉटपॉट उठाते हैं एंड करते हैं डिनर। एंड ये जो सब्ज़ी मैं घर से लेकर आया हूँ इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इसको जो है वो सैमी टिकिया बोलते हैं एंड खाने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती हैं। तो चलिए कर लेते हैं डिनर। यार काफ़ी सारी थी मुझसे खाने गई, मैं अपने फ्रेंड को भी खिला दी, यहाँ पर देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों यार डिनर कर लिया है, एंड अभी के टाइम की बात की जाए तो 10:33 हो चुके हैं। तो चलिए यार फिर से अपना स्टडी सेशन स्टार्ट करते हैं, बट अभी जो है वो मैं बेड पे स्टडी करने वाला हूँ। तो चलिए यार अपना बेड टेबल उठाते हैं एंड करते हैं अपना स्टडी सेशन स्टार्ट। तो जो भी मुझे ज़रूरत है पेन हाईलाइट वगैरह ले लेता हूँ ताकि मुझे स्टडी करते टाइम बीच में बेड पर से उठना ना पड़े। सो अभी जो है वो मैं केमिस्ट्री की स्टडी करने वाला हूँ, इसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर का जो है वो पहला लेक्चर देख लिया था, एंड पहले उसको रिवाइज कर लेता हूँ, उसके बाद जो है इसी चैप्टर का दूसरा लेक्चर देखेंगे। एंड मैं आपको बता दूं कि जो स्टोक का जो हेड क्वार्टर है, जो उसका ऑफिस है, उसका मैंने ब्लॉग शूट किया था, तो उसका ब्लॉग जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। नोमैडिक मुजम्मिल वाले चैनल पर वो वीडियो अपलोडेड है, एंड काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि यार क्योंकि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी जो स्टॉक वाली, और उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि ये वीडियो कब अपलोड होने वाला है। बट यार उस वीडियो में क्या हुआ, उस वीडियो में थोड़ा सा एरर आ गया है, जो मेरी जो स्टॉक की वीडियो शूट हुई थी उसमें थोड़ा सा एरर आया, जिसकी वजह से वो वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हो पाया है। एंड उसके बाद मुझ पर दोबारा इन्विटेशन आया है कि आप दोबारा आ जाओ, वीडियो में थोड़ा सा एरर आ गया है, फिर से वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी। तो अभी मुझे जाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मुझे जो है यार दोबारा जाना पड़ेगा गुड़गांव वीडियो रिकॉर्ड होने के लिए जो स्टॉक की। तो फाइनली दोस्तों यार लेक्चर हो चुका है कंप्लीट, तो नोट्स को रख देता हूँ मैं अपने टेबल पर एंड देख लेते हैं कि अभी क्या टाइम हो रहा है। तो टाइम जो है वो 1:05 हो चुके हैं एंड मुझे अभी नींद आने लगी है, तो चलिए यार चलते हैं सोने के लिए। तो मैं जो है वो टेबल वगैरह यहाँ से हटा देता हूँ एंड कर देता हूँ लाइट को ऑफ। मिलते हैं फिर न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट।